समस्तीपुर में अस्पताल संचालक व बेगूसराय में मजदूर का हत्यारा गिरफ्तार। समस्तीपुर में नर्सिंग होम संचालक व बेगूसराय में मजदूर की हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने घटना के 2 घंटे अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्यारा दिलखुश कुमार उर्फ नेपो तेघरा थाना क्षेत्र के पिढौली का निवासी है। एसपी योगेंद्र कुमार के अनुसार तेघरा थाना क्षेत्र के पिढौली निवासी दिलखुश कुमार उर्फ नेपो ने देर रात करीब 2 बजे थाना क्षेत्र के गौरा पंचायत के एक निवासी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला लक्ष्मण महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद 3 बजे उसने समस्तीपुर जिले के पटोरी में चंदन चौक के समीप नवीन कुमार ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। गौड़ा में हुई हत्या को लेकर पुलिस सीसीटीवी सहित अन्य पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान पटोरी से लौटते समय तेघरा डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन के नेतृत्व में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि देर रात करीब 2 बजे तेघरा थाना क्षेत्र के गौड़ा वार्ड संख्या 2 निवासी लक्ष्मण महतो जब घर से बाहर पेशाब करने के लिए निकला, इसी दौरान आए कार सवार अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और आगे बढ़ते चले गए। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद लगभग 3 बजे सुबह में समस्तीपुर जिले के पटोरी स्थित चंदन चौक के समीप चाइल्ड केयर अस्पताल संचालक नवीन ठाकुर को आवाज देकर अपराधियों ने बाहर बुलाया तथा गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही दौड़े लोगों द्वारा उसे इलाज के लिए समस्तीपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेगूसराय एवं समस्तीपुर के सीमावर्ती थाना क्षेत्र में हुए इस दोहरे हत्या के बाद तेघरा डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही थी। इसी दौरान दिलखुश कुमार उर्फ नेपो को गिरफ्तार किया गया है। उसके गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही एसपी योगेंद्र कुमार ने भी तेघरा पहुंचकर मामले की जानकारी लेने के साथ साथ गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ किया है। चर्चा है कि दिलखुश ने राह चलते कई जगहों पर गोलीबारी की है।